हेलो एवरीवन वेलकम टू एन अकेडमी लेट्स क्रैक यू पी हिंदी तो यू पी हिंदी सी सी एस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं एथिक्स इसका पूरा जो नाम है एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड तो आप लोगों का ये एक ऐसा विषय है जो बिना पढ़े अच्छा नंबर दे के जाता है बहुत सारे लोग तो इसको जो है एक वो ले के चलते हैं ले के चलते हैं कि ये जो है एथिक्स और ऐसे वो जो पेपर है जो वो आपका बस उसमें किताब कहाँ मिलेगी ये क्या मिलेगा आ, बहुत लोग, लोग जो है उसको लाइट ले लेते हैं अच्छा केस स्टडी आएगा केस स्टडी कर लेंगे लेकिन जो है इसका सबसे ये ये एक ऐसा पार्ट है आपके सिलेबस का कि आपकी थोड़ी सी समझ और थोड़ी सी आपकी भीतर की जागरूकता आपको जो है अच्छा नंबर देकर जाती है ठीक है एक सेकेंड दीजिएगा और मैं कोशिश करूंगी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू कि मैं आप लोगों को इसको ऐसे पढ़ाऊं कि आप लोग इसको बहुत ही आसानी से सरल शब्दों में समझ सकें इसके भाव को समझ सकें और वैसे ही पेपर में जाकर आप लिख दें तो इसमें कुछ थिंकर्स को पढ़ेंगे थिंकर्स को मतलब जैसे कुछ थिंकर्स की फिलॉसफी थोड़ा सा समझेंगे सिद्धांत समझेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए क्योंकि उन सिद्धांतों पर प्रश्न आता है अदरवाइज ये पूरा का पूरा जो ये पेपर है आपके समझ पर बस सिंपल आपके समझ आपके आपका जो व्यक्तित्व है जिस तरह से आप सोचते हैं बस उसके आधार पर ये सॉल्व हो जाता है और इस पेपर का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण कर सके आपकी पर्सनालिटी को एग्जामिनर जज करना चाहता है इस पेपर के थ्रू तो ये वाला पेपर और जो एथिक्स है यहाँ पर सिंपल दो ही बातें होती हैं कि यहाँ पर आपकी सोच को ही समझने की कोशिश एग्जामिनर करता है कि आखिर आप किस सोच के व्यक्ति हैं तो इंटरव्यू भी इजी ले ली जाती है ओवरऑल देखने के लिए पर इंटरव्यू में तो आप थोड़ा सा क्या होता है ना कि हमारा सा हमारा जो है सामने का व्यवहार कुछ और होता है भीतर का कुछ और होता है तो मान लो कि इंटरव्यू में आपकी जो बहुत मैक्सिमम बहुत आप पसंद आ गए तो 40 पैंतालीस मिनट चलती है तो वो जो है उसमें आप कितना जज कर लेगा है ना कितना जज कर लेगा एग्जामिनर तो इसके लिए जो है वो क्या करता है कि आपको एथिक्स और ऐसे का जो पेपर दिया गया है इसमें वो समझने का ये प्रयास करता है कि आप जो है भीतर से कैसे हो तो आपकी लेखनी में वो झलकता है आप भीतर से कैसे हो ये आपकी लेखनी में झलकता है इसीलिए वो एथिक्स का पेपर आपका जो है 2013 में जब सिलेबस बदला तो जब 2013 में सिलेबस बदला तभी ये पेपर आप लोगों में डाला गया था ये पेपर इंट्रोड्यूस किया गया और जैसे हम लोगों ने उसके बाद ही दिया है और हमेशा से ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा मतलब मैं हमेशा जो है ये मान के चलती थी कि हाँ मुझे एथिक्स कॉम्पनसेट करेगा मुझे ऐसे कॉम्पनसेट करेगा मेरे मार्क्स को ये मेरा इतना मतलब जैसे आप यही समझ लो कि ये आ, एक ऐसा पेपर है कि अगर आपने थोड़ी सी समाज की थोड़े नैतिकता की मूल्यों की विश्वास की अपने आचरण की थोड़ी सी समझ आपको अगर है अच्छा आचरण बुरा आचरण इन सब की थोड़ी सी समझ है तो आप इस पेपर को कर ले जाएंगे ठीक है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा बस अन्य अकादमी के बारे में मैं बता दूं। तो ये देखिए ये आपका जो है ये कुछ मेरे बारे में है हाँ अच्छा वो गायब हो रहा है कोई बात नहीं मेरे बारे में तो आप लोग रोज़ सुनते ही रहते हो देखते ही रहते हो ये देखो यार अन्य आदमी आपका किताब सीरीज़ लेकर आए तो ये किताब सीरीज़ क्या है कि एक वीक में दो किताब कवर किया जाएगा वो सब उन सभी किताबों को जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड हैं उन सभी किताबों को आपको कवर किया जाएगा हफ्ते में दो दिन कवर किया जाएगा और स्पेशली जो है एथिक्स ए इंडियन सोसाइटी जिसके जिसका जो है एक स्टैंडर्ड कोई बुक आपको नहीं मिलता है मार्केट में तो उसको बहुत अच्छी तरह से ये लोग कवर कराएंगे जो हमारे टॉप के एडुकेटर्स इसको कवर कराएंगे और ये जो है अन एक नया ऑफर है अन का 35% आपको मिल रहा है एडमिशन कॉम्बो कोर्स पर और साथ में आपको फ्री ऑप्शनल टेस्ट सीरीज मिल रहा है तो ये जो है ये वर्थ रुपीज़ फिफ्टीन का है जिसमें 21 ऑप्शनल का टेस्ट मिलेगा आपको मॉक टेस्ट जिसमें आपका 16 सेक्शनल होगा और 5 फुल लेंथ टेस्ट होगा तो मॉक टेस्ट तो बहुत जरूरी है मॉक टेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि ये आप लोगों को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि ये आप लोगों को चाहिए अपने सेल्फ इवेल्यूएशन के लिए ऐसे जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो लगता है सब कुछ हम जान गए और लेकिन जब हम लिखने लग जाते हैं तो कलम रुक जाता है तो उसके लिए ही ये है आपका तो ये देखिए इसमें जी प्लस ऑप्शनल का ये प्राइज है आपका और ये जो है आपका ये आइकॉनिक का है तो ये एक साल से तीन साल का है इसमें टेन परसेंट रेफरल पर और पच्चीस परसेंट आपका जो है ऑप्शनल पर ये कुल मिलाकर 35% परसेंट और साथ में ऑप्शनल का टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है ये इसका जो है एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है साथ में तो ये जो एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन है वो है आपका ये एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन कैसे है कि ये 2022 तक चलेगा एक साल का 2022 तक चलेगा और दो साल का लेते हो तो ये दो तक चलेगा और इसके साथ ही आपको 20 किताबें भी 20 किताबें भी आपको मिल रही हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में इसमें आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी रहेगा करेंट अफेयर भी रहेगा और ये इसको स्पेशली जो है हमारे जो यू के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसको जो है तैयार किया है ठीक है तो ये किताबें आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी आप लोग इसको सोचिए और ये जो है आप लोगों का ये वन ईयर का सब्सक्रिप्शन लेंगे तब मैचोर होगा छः महीने पर नहीं मिलेगा बाकी आइकॉनिक अनेक आदमी के आइकॉनिक के अपने फायदे हैं तो पूरा पर्सनल गाइडेंस स्टडी प्लान किया जाता है टेस्ट एनालिसिस किया जाता है स्टडी मटेरियल दिया जाता है एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिलती हैं तो ये देखिए ये आप लोग का रिंकू लाइफ कोड के साथ ये जी का है तो इसमें सिर्फ आपकी जी की तैयारी होगी और ये रिंकू लाइफ कोड के साथ आइकॉनिक जी का है जो जो फ़ी आप लोग देख पा रहे हैं जो फी आप लोग देख पा रहे हैं तो ये इसमें आपकी कंप्लीट जीएस की तैयारी होगी एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन का ऑफ़र इसके साथ भी है और साथ में आप लोगों को जो है वन ईयर का सब्सक्रिप्शन क्योंकि जीएस का लोगे तो किताबें भी आपको मिलेंगी और ये ऑप्शनल का है बारह महीने से लेकर के ये आपका तीन साल तक का है और इसमें आप लोगों का म, ये एक साल का चौबीस रुपया महीने का दो दो साल का छत्तीस हज़ार रुपये महीने का पंद्रह सौ और तीन साल का पैंतालीस हज़ार महीने का साढ़े बारह सौ रुपये और इतना ही बनेगा इतना ही बनेगा अगर आप लोगों को ऐसा लगता है किसी किसी कोई किसी किसी का आया था मेरे पास कि मैम जो है ये ज़्यादा बता रहे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जितना कह रहे हैं वैसे ही कॉम्बैट के लिए अपने को एनरोल्ड कर लीजिए आप इसलिए इनरोल कर लीजिए क्योंकि ये जो है कॉम्बैट आपका संडे को ही होने वाला है और ये आपको कंप्लीट आपका मॉक टेस्ट रहता है ये ये सभी बैचेस शुरू हो रही हैं आपकी 21 जुलाई से और ये यहाँ पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज मिलता है और ये मेरा टेलीग्राम लिंक है जहां पर मेरे सेशन का आपको पी मिलेगा और ये है मेरा जो है कोड रिंकू लाइन तो रिंकू लाइक कोड के साथ आपका कंप्लीट सॉल्यूशन पूरा जीएस की तैयारी करेंगे आप लोग मेरे साथ और हिस्ट्री और सोशियोलॉजी ऑप्शनल की तैयारी करेंगे ठीक है हाँ बिल्कुल कंप्लीट होगा कंप्लीट होगा जैसे आपका ओवरऑल इतना तो मैं आइडिया दे ही दूंगी साथ में क्लास चल रही है क्या मुझे मैं अवेयर नहीं थी पिंटू जोरवाल मैं अवेयर नहीं थी मेरा तो मेरा रोज का रहता है ना मेरा तो डेली का ही रहता है पाँच बजे तो मैं डेली पाँच बजे क्लास लिया करती हूँ तो ये फाइव पी पर ये मेरा सेशन आ गया है तो इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा ठीक है तो, तो देखो इसको जो है मैं कोशिश करूँगी कि बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा सकूँ क्योंकि इसमें ऐसा होता है ना कि जैसे आप लोग घबराते हो बड़े बड़े जो शब्दों को सुनकर भारी भारी शब्दों को सुनकर क्या होता है आप लोगों को घबराहट होती है थोड़ी सी तो मैं इसमें जो है वही मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें घबराने की बात नहीं है ये जो आप लोग बचपन से जैसे अनुशासन अनुशासन ही सर्वोत्तम गुण है हमेशा अनुशासित रहो लालच बुरी बला है झूठ बोलना पाप है इस तरह की जो चीज़ें जो है आपको बचपन से सिखाई जाती है ना तो ये जो है बिल्कुल ये उसी को उसी को आपको क्या करना है कि उसी को आपको जीवन में जो है उतारते हुए चलना होता है और जब आप बड़े होते हो जो बचपन से ही आपको सिखाया गया रहता है कि झूठ बोलना पाप है नदी किनारे सांप है तो झूठ बोलना पाप है नदी किनारे सांप है ये जो आपको बचपन से समझाया जाता है उसको अपनाते अपनाते बड़े होकर आपका व्यक्तित्व कैसा हो गया है बेसिकली बेसिकली जो है यही यही आप लोगों का क्या है यही आप लोगों का एथिक्स है ठीक है तो एथिक्स आप लोगों का यही है तो अभी इसमें जो है मेनली हम लोगों को जब भी कोई भी सब्जेक्ट शुरू करना चाहिए तो हम लोगों को सिलेबस सिलेबस हम लोगों को ज़रूर देखना चाहिए कि भाई सिलेबस क्या है तो देखो सिलेबस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी जैसे कि आपका सारा पेपर 250 नंबर का होता है ये भी आपका 250 नंबर का इसमें मतलब सिलेबस शुरू करके मैं आपको आज समझा दूंगी कि एथिक्स क्या होता है एथिक्स क्या होता है मैं आपको कई एग्जाम्पल से कई कहानियों से आज की आज की फर्स्ट क्लास में, में मेरा टारगेट क्या रहेगा कि मैं समझाऊ वॉट इज एथिक्स पर उसको समझने से पहले हम लोग एक बार सिलेबस देख लेते हैं तो देखो 250 नंबर का ढाई सौ नंबर का ये पेपर होता है बाकी पेपर की ही तरह और ये जो है इसमें दो सेक्शन होता है तो एक तरफ सिद्धांत इसमें दो सेक्शन में एक तरफ जो है सिद्धांत से क्वेश्चन होते हैं सिद्धांत से कि जैसे मान लो कि एग्जामिनर यही लिख देगा कि झूठ बोलना पाप है नदी किनारे साफ है व्याख्या कीजिए तो अब ऐसे सिद्धांतों का किसी न किसी ने कहा है ये तो ऐसे जैसे कि कभी कभी बड़े बड़े जो चिंतक हैं अरस्तु है प्लेटो है कांते हैं हमारे यहाँ जो भारतीय कुछ चिंतक हैं बुद्ध हैं महावीर हैं तिरुवलूर हैं महात्मा गांधी इनके इनके जो है विचारों को लेकर के भी दे दिया जाता है और बस केवल विचार लिख दिए जाते हैं आप उन विचारों पर आप, आप क्या समझते हैं उन विचारों से उन विचारों पर आपको अपनी बात कहनी होती है और दूसरी तरफ क्या हो जाता है इसमें केस स्टडीज तो पूरे पेपर को दो भाग में बात दिया जाता है स्टडी में एक सिचुएशन दिया जाता है आपको और उस सिचुएशन के अनुसार आपको उस पर चार क्वेश्चन रहता है और उन्हीं चार क्वेश्चन पर आपको अपना जवाब लिखना होता है बेसिकली यहां पर एग्जामिनर यह सोचता है कि यह समझने की कोशिश करता है कि आप कैसे व्यक्तित्व के स्वामी हैं आप क्या करते ऐसी आपसे यह भी पूछा जाएगा कि इसकी जगह पर आप होते तो आप क्या करते तो बहुत ही केस स्टडीज भी बहुत आसान है थोड़ा सिद्धांत वाले क्वेश्चन थोड़ा सा आपको फंसाएंगे अगर आपने उन देखो अगर उन चिंतकों के विचार आपने नहीं भी पढ़े जिनका पूछा हुआ है नीचे लिखा भी रहता है अरस्तु महात्मा गांधी ले, लेकिन फिर भी आप उसका भावार्थ समझ के और उसको अपने शब्द में लिख देना होता है ये प्रिलिम्स में नहीं आता ये आपका मेंस का सिलेबस है तो जैसे कि आपका जो है ये सामान्य अध्ययन का जो है चौथा जो पेपर होता है देखो ये ये यू से मैंने लिया है यू के साइड से और ये कहता है कि इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा ईमानदारी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिवृत्ति यानी उनका एप्टीट्यूड उनके दृष्टिकोण ठीक है उनके दृष्टिकोण उनका एटीट्यूड क्या है उनका दृष्टिकोण क्या है उनका सोचने का तरीका क्या है समाज के साथ उनके आचार व्यवहार में जो अलग अलग विभिन्न मुद्दे आते हैं जो विभिन्न मुद्दे तथा जो सामने आने वाली समस्याएं होती हैं उन समस्याओं के समाधान को लेकर समाधान को लेकर आपकी मनोवृत्ति का मतलब एग्जामिनर जो है उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे यानी किन आप आप तो इस इस कि पत्र के जरिए मतलब ये सीधा सीधा लिखा गया है कि ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में क्योंकि आप एक लोक अधिकारी बनने जा रहे हो तो आप एक लोक अधिकारी बनने जा रहे हो तो आपके सार्वजनिक जीवन में जो उम्मीदवारों की जो है सत्यनिष्ठा आप में कितनी सत्यनिष्ठा है ईमानदारी है तो सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से संबंधित विषयों पर आपकी उसमें क्या अभिवृत्ति है आपका क्या दृष्टिकोण है समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न जो मुद्दे आते हैं जो सामने आने वाली समस्याएं होती हैं उनका किस तरह से आप समाधान करेंगे तो ऐसे जो है आयामों को निर्धारित करने के लिए इस प्रश्न पत्र में किसी मामले के अध्ययन का माध्यम भी चुना जा सकता है यानी केस स्टडीज भी दिया जा सकता है केस स्टडीज भी दिया जा सकता है। तो मैंने क्या कहा कि ये बिल्कुल आपके स्वभाव का परीक्षण है यह आप कैसा सोचते हो आप कैसा व्यवहार करते हो कब आप कैसा डिसीजन लोगे तो यह लिखा गया कि मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा तो मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा तो किन क्षेत्रों को कवर किया जाएगा मुख्य रूप से किन क्षेत्रों को कवर किया जाएगा तो नीतिशास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध मतलब एथिक्स और जो है ह्यूमन रिलेशन तो एथिक्स और ह्यूमन रिलेशन में अगर हम लोग देखते हैं तो मानवीय क्रियाकलापों में मानवीय जैसे हमारे जो कार्य होते हैं जो हम रोजमर्रा के जीवन में जिस तरह का हम व्यवहार करते हैं तो उसके निर्धारक और परिणाम नीति शास्त्र का या निजी और सार्वजनिक जीवन में नीति शास्त्र कैसा होता है आपकी निजी जीवन में और सार्वजनिक जीवन में होता है ना कि आप एक घर में एक आप अलग व्यक्ति होते हो और बाहर समाज में आप एक अलग व्यक्ति होते हो और अपने भीतर आपकी एक अलग सोच होती है तो आपका ये निर्धारित है कि आपका किसके साथ कैसा व्यवहार करना है आपके भीतर कितने मानवीय मूल्य हैं और इन्हीं मानवीय मूल्यों में जो महान हमारे नेता हुए हैं जो सुधारक हुए हैं जो प्रशासक हुए हैं उनके जीवन तथा उपदेशों से एक प्रश्न आता है उनके जीवन से उनके उपदेशों से उनके शिक्षा से तो इसलिए आपको महान नेताओं को गांधी जैसे नेताओं को पढ़ना होता है सुधारकों को पढ़ना पड़ता है फिर आपको प्रशासकों के बारे में भी पूछ लिया जाता है तो ये सब जो है यहाँ पर आप लोगों को पूछा जाता है तो यही है आपका और फिर अभिवृत्ति में जो है आपका पूरा आपके विचार आचरण के परिप्रेक्ष्य में प्रभाव एवं संबंध नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि सामाजिक प्रभाव और धारणा कुल मिला भावनात्मक समझ भी है सहानुभूति सहिष्णुता संवेदना जैसे गुण कमजोर वर्गों के प्रति कमजोर वर्गों के प्रति आप क्या सोचते हो ये सारी बातें इसमें लिया गया है भावनात्मक समझ पर आपका हमेशा जो है इमोशनल क्वेश्चन पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे इस बार भी पूछा गया था और भारत तथा विश्व के नैतिक विचार को और दार्शनिकों के योगदान तो विश्व के भी नैतिक विचारकों को पूछा जाता है भारत के भी नैतिक विचारकों को पूछा जाता है ठीक है कूलिंग नहीं कर रहा है ऐसी तो अब इसमें तो अब ये पूरी की पूरी जो है आपका यही आपका सिलेबस है और इसी सिलेबस से आपका सारा का सारा क्वेश्चन पूछा जाता है तो देखो सिलेबस को अगर सिलेबस को अच्छी तरह से सिलेबस को अच्छी तरह से आप समझ लोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा एग्जामिनर हमसे चाहता क्या है क्या चाहता है एग्जामिनर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर जो है सबसे जरूरी यही होता है कि आप इस चीज़ को इस बात को आप समझें ठीक है एक सेकेंड दीजिएगा हाँ जी तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है कि हम जब एथिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो एथिक्स का मीनिंग क्या होता है वॉट इज एथिक्स तो पहले एथिक्स का मीनिंग समझते हैं मीनिंग मीनिंग मतलब समझ रहे हो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो बहुत इजी है एथिक्स एथिकल बिहेवियर एथिक्स और एथिकल बिहेवियर वो एथिक्स आप, आप सोचो कि एथिक का मीनिंग क्या होता है एथिक्स का हिंदी वालों को कि ये नीति शास्त्र होता है नीति नीति होता है या फिर ये नैतिकता होता है नैतिकता होता है या फिर ये जो है इसको हम आचार व्यवहार कहेंगे आचार व्यवहार कहेंगे यानी आचरण कहेंगे क्या कहेंगे इसको तो यहाँ पर आपका एथिक्स के जो है सारे जो ट्रांसलेटर होते हैं हिंदी मीडियम वाले वो अलग अलग बात लिखते हैं जैसे अगर एथिक्स को हम सीधा सीधा एथिक्स को अगर हम सीधा सीधा नैतिकता भी कह देते हैं अगर हम लोग इसको नैतिकता भी कह देते हैं तो ये भी बहुत कम्प्लीट डेफिनेशन नहीं है कम्प्लीट शब्द नहीं है इसके लिए एथिक्स के लिए नैतिकता <coughs> क्योंकि जैसे नैतिकता मोरालिटी को भी कहते हैं तो मोरालिटी मोरालिटी ही वर्ड है नैतिकता के लिए तो हम एथिक्स को कई लोग जो है कई किताबों में आपको नैतिकता मिलता है कहीं कहीं आपको नीति मिलता है नीति शास्त्र तो नीति शास्त्र तो ये पूरे का पूरा आपका जो है जो हमारा इसमें एथिक में जो है एथिक्स हो जाता है एप्टीट्यूड हो, हो जाता है अभिवृत्ति हो जाता है ठीक है तो ये इन सबको मिला करके कह दिया जाता है तो बेसिकली जो है हिंदी में थोड़ा सा यही प्रॉब्लम है कि क्योंकि जो है एक कोई वर्ड आपको नहीं मिलता पर इसको ओवरऑल ओवरऑल इसको आप लोग क्या मानकर चलेंगे तो हम एथिक्स को हिंदी में कहेंगे कि ये नैतिक नैतिक जो है आचरण नैतिक आचरण को ही हम जो है कह देते हैं ठीक है नैतिक आचरण को तो आप नैतिक आचरण यानी आप लोगों का मोरल जो बिहेवियर होता है जो मोरल बिहेवियर को ही हम लोग जो है एथिक्स कह देंगे हिंदी में ओवरऑल यही आपका होता है अब ये इसका क्योंकि मैंने ये सबसे पहले आपको क्यों बताया तो मैंने सबसे पहले आपको इसलिए बताया क्योंकि आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होने के नाते आपको ये समझना जरूरी है कि एथिक्स किसको कहेंगे हम तो एथिक्स एथिक्स में यही आ जाता है कि एथिक्स के बेसिकली सीधा संबंध आपके आचरण से है सीधा आचरण में यानी आप ये आपकी सोच पर आ, से भी संबंधित है तो आप जिस तरह से सोचते हो वैसा ही व्यवहार करते हो जैसा सोचते हो वैसा ही व्यवहार करते हो तो इसको इसीलिए ये पूरा का पूरा आपके बिहेवियर में आपके आचरण में रिफ्लेक्ट होता है तो हम इसको कह देंगे जो है नैतिक आचरण तो अब जो है ये क्या है ये हम अगर बात करें तो वॉट इज एथिक्स एथिक्स क्या है एथिक्स क्या है ये नैतिक आचरण क्या है हम इसको किसको कहते हैं इसको तो देखो इसका सीधा सा संबंध है जो एथिक्स है आपका जो आपका जो है ये नैतिक आचार विचार को जिसको हम एथिक्स कहते हैं तो आप इसको हमेशा ऐसी एथिक्स एथिक्स भी आप इसको ऐसे कह सकते हैं ठीक है इस तरह से भी आपको अगर लिखते हैं आप तो आपको कोई समस्या नहीं है मैंने पेपर हिंदी मीडियम में लिखा है और हिंदी मीडियम में लिखा है और मैं एथिक्स ही लिख देती थी तो यहाँ से कोई समस्या कोई समस्या यहाँ पर है नहीं तो अगर हम लोग बात करते हैं कि वॉट इज एथिक्स एथिक्स क्या है तो देखो एथिक्स जो है ये ये आप लोगों का एक ये ये एक्सटर्नल होता है हमेशा हमेशा ये एक्सटर्नल होता है एक्सटर्नल मतलब आप लोग देखो अब आप लोगों को मेच्योर हो जाना है आप लोग छोटे छोटे हो छोटे मतलब कि कोई उन्नीस साल का है कोई बीस साल का है कोई इक्कीस साल का है तो आप आपका अब जैसे ये सब भारी भारी शब्द आपको लगते हैं समझने में आपको मुश्किल आता है आपको लगता है कि अभी तो हमारी खेलने खाने की उम्र है ये कहाँ नैतिकता मोरालिटी, ये सब क्या है लेकिन यही चीज तो एक्सपेक्ट करती है यू आपसे जो लोक सेवा आयोग है वो ऐसे ही ऐसे ही लोक सेवकों को लेना चाहता है जो सही कम उम्र में ही यानी वक्त से पहले ही जो परिपक्व हो जाते हैं और फिर ऐसे भी आपका ये एडल्ट एज है तो जो है इस उम्र में तो इतनी परिपक्वता आ ही जानी चाहिए तो आपको अब समझना होगा तो बाह्य क्या होता है कि एक हमारा व्यवहार यह होता है कि हमेशा हमेशा जो है हम यह सोचते हैं हम ये सोचते हैं कि यह समाज की नजरों में समाज की नजरों में क्या सही है तो समाज ने हमेशा से हर समाज ने चाहे प्राचीन काल के प्राचीन काल की बात करें या फिर हम अभी आधुनिक काल की बात करें या हम पश्चिम की बात करें और या फिर हम अपने इस पूर्व की बात करें एशिया की बात करें भारत की बात करें तो हर जगह जो है क्या होता है कि सोसाइटी ने हमेशा क्या किए रहते हैं कुछ ऐसे नियम बनाए होते हैं कुछ कायदे कानून बनाए होते हैं जिनके अनुसार हमारे व्यवहार को जिनके अनुसार हमारे व्यवहार को का मापन किया जाता है और ये हमको बचपन से जैसा कि मैंने आपको बताया कि झूठ बोलना पाप है नदी किनारे सांप है लालच बुरी बला है जो है हम लोग ये सब हम लोगों को बचपन में ही पढ़ाया जाता था ना अनुशासन ही जीवन का सर्वोत्तम धर्म है ठीक है ये अनुशासन ही सर्वोत्तम नियम है कुछ ऐसे करके था ना वो तो इस तरह से तो ये क्योंकि हमें बचपन से समझाया गया है तो हम जो है हम वही वैसे ही बड़े होते होते हमको ये समझ में आ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है हमें कैसा क्या करेंगे तो समाज अच्छा कहेगा हमारे पेरेंट्स अच्छा कहेंगे पड़ोसी अच्छा कहेंगे दोस्त अच्छा कहेंगे तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनके सामने हम ओरिजिनल हो पाते तो ये आचार व्यवहार ये हमेशा बाह्य होता है एथिक्स आपसे जो अपेक्षा की जाती है और यही ये, ये आपका ये कैसे ये केवल समाज के डर से आप बहुत देर तक आप व्यवहार नहीं कर सकते तो आपकी कुछ वैल्यूज होती हैं आपका एक आंतरिक विश्वास होता है कि आप मैंने कह तो दिया कि लालच बुरी बला है आप इसमें कितना विश्वास करते हो इस लालच बुरी बला है ये जो ये है फ्रेज है जो स्टेटमेंट इस है इसमें आप कितना विश्वास करते हो तो ये आप खुद खुद अगर ये विश्वास करते हो कि नहीं मैं किसी और की चीज़ों पर मैं अपना नियत नहीं ख़राब करूंगा जो मेरे पास है वो मेरे लिए सफिसंट है यानी आप भीतर से अपने लिए अपने लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हो ठीक है तो आप अपने लिए जो कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हो वही आपका क्या हो जाता है वो आपकी वैल्यू हो जाती है वो आपका अपना अपना प्रिंसिपल हो जाता है तो वही आपकी वैल्यूज और वही आपका प्रिंसिपल हो जाता है तो वो आपका बिल्कुल आंतरिक होता है और ये दोनों ही आपके व्यवहार को रिफ्लेक्ट करते हैं तो हम जैसे ये आपका क्या है ये एथिक्स एथिक्स जो कि आप, आप आप जो नियंत्रित जो आप व्यवहार करते हो नियमों के अनुसार जो व्यवहार करते हो मूल्य के अनुसार जो आप व्यवहार करते हो उसको हम कहते हैं नैतिकता या नैतिक आचरण कहते हैं उसको ठीक है जैसे देखिए हमेशा से आपके दिमाग में कई बार हमेशा से अगर इस पिक्चर को आप देखिए देखो इस इस पेपर में इस पेपर में रटने की जरूरत नहीं है बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप दिमाग में रखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेकर के उनको कंपेयर करते हुए अपने हम कुछ नहीं तो हमारे जैसे महाभारत की कहानियों से या फिर हमारे रामायण की कहानियों से या जो है जो पंचतंत्र की कहानियां हैं ऐसे बहुत सारे आप हमेशा दिमाग में एग्जाम्पल्स रखो और जब आप पेपर भी लिखने लग जाओगे तो उन्हीं उदाहरणों को दे देकर के आप पेपर को विस्तार देते चले जाओ ये बहुत आसान होता है पेपर ये पेपर यही खोजता है कि आपने कितना समझा है कितना समझा है आपने कि आप जीवन में सही मूल्य क्या है और मूल्य परक व्यवहार कैसा होता है और कब किसी ने जो है गलत तरीके से अपने जीवन को मोल्ड किया तो कैसे उनको भोगना पड़ा कैसे उनको झेलना पड़ा तो यही यही जो है आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है हमेशा मान के चलो कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें लेकर के चलना चाहिए तो क्या होता है कि हमारा जो माइंड होता है हमारा जो माइंड होता है वो हमेशा भटकता है कहते हैं ना मन चंचल होता है मन चंचल होता है तो मन हम हम जब अपने मन मन तो चंचल होता ही है और आपका जो मन है वो हमेशा कई दिशाओं में जाएगा और कई ऐसे दिशाओं में भी जाएगा जिसको समाज सही नहीं कहता तो आप जब अपने विवेक से उसको तोलने लग जाते हो कि दिस इज बैड ठीक है और दिस इज गुड तो अगर आप जो है गुड और बैड गुड और बैड आप तोलने लग जाते हो तो हमेशा जो आपका जैसे ये जैसे मान लो कि हमेशा आप अगर कई बार गलत को आप सही मान लेते हो कई बार सही को आप गलत मान लेते हो तो ये जो आपका ये जो विवेक है तो यहां पर यहां पर आपका क्या हो जाता है यहां पर आपका जो विवेक है वो आपको मदद करता है ये समझने में तो ये सही और गलत की पहचान आप कैसे करते हो क्योंकि आपका समाजीकरण जो हुआ है आपका जो सोशलाइजेशन होता हुआ है वो इन्हीं इन्हीं माहौल में इसी माहौल में इसी समाज में हुआ है जिस समाज में आप रहते हो तो ये समाज के अनुसार बदलता है ठीक है तो हमेशा हम जो इन दोनों जो है दोनों तरह से जब हम तौल लेते हैं और अपने विवेक से और फिर जब हम कोई एक्शन लेते हैं कदम उठाते हैं तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारा बिहेवियर क्या है एथिकल है ये हमारा नैतिक आचरण है जब हम इसको तौल के करते हैं ठीक है तो जो एथिक्स जो है ये ये क्या है ये मानक है हमारे जो ये नैतिक आचरण जो संहिता है या नीति शास्त्र आप कह लीजिए जो है ये ये हम ये मानक हैं ये स्टैंडर्ड हैं ये स्टैंडर्ड हैं ये आपको हमेशा जो है बताते हैं कि जैसे अक्सर आप जो है यहाँ पर खड़े रहते हो तो कई रोड जाते हैं ठीक है तो अब ये जो है अग, अब आपको आपको किस तरफ जाना है आपको किस तरफ जाना है आपको सीधे निकल जाना है आप कभी कई बार इस पर आगे बढ़ जाते हो फिर वापस लौट आते हो तो ये ये मानक है ये मानक है कि जब आप आप चलना शुरू करते हो तो आपको जो है सोशल जब रेस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है तो उस सोशल रेस्पॉन्स से आपको पता चलने लग जाता है कि क्या मैं जो कर रहा हूं ये कितना पसंद आ रहा है समाज को तो अगर वो समाज को पसंद नहीं आ रहा है यानी कि वो सही नहीं है तो आजकल फिल्में आती हैं आजकल फिल्में आती हैं कि लीक पर मत चलो समाज जो समाज कहता है समाज जाए भाड़ में दुनिया जाए भाड़ में अपने दिल की सुनो अपने दिल की सुनो तो आजकल जो है ना हम लोगों का वेस्टर्न वेस्टर्न कल्चर की तरफ हम लोग जो है ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं और हम लोग ये कहते हैं लेकिन देखो अब मैं सोशोलॉजी भी पढ़ाती हूँ तो जो वेस्टर्न थिंकर्स भी हुए हैं जैसे डरखेम है वेबर हैं ये लोग ये लोग हमेशा ये फंक्शनलिस्ट रहे और इन लोगों ने कहा कि नहीं समाज समाज ने जो नियम बनाए हैं वो कोई एक व्यक्ति नहीं बनाता समाज कोई एक व्यक्ति तो है नहीं समाज समाज मतलब ये ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है ये एक समूह है जो कि एक एक उसने नियम एक बनाया कुछ लोगों ने फॉलो किया उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ा लोगों पर तो वो धीरे धीरे वो एक नियम बनता चला गया वो एक जैसे कि मान लो कि किसी ने पहली बार अब हमारे आदि मानव थे आदि मानव थे वो विवाह नहीं करते थे समूह में रहते थे स्त्रियाँ भी होती थी, उसमें पुरुष भी होते थे बच्चे भी होते थे पर धीरे धीरे जैसे जैसे वो थोड़े जागरूक हुए तो उन्होंने जो है उन्होंने किसी एक स्त्री के साथ अब रहना पसंद किया उसके उसके बच्चों की जिम्मेदारी लेना पसंद किया उन्होंने नहीं तो पहले जैसे जानवर रहते थे उन्हीं जानवरों की तरह से जो है वो, वो उन्हीं जानवरों की तरह स्त्री पुरुष भी रहने लग जाते थे तो इस इसलिए जो है फिर धीरे धीरे जब समझ में आए कि नहीं कोई अब मतलब इन बच्चों की कोई एक व्यक्ति अगर जिम्मेदारी लेता है तो बच्चों की परवरिश सही होगी और कोई एक स्त्री जो मुझे अच्छी लगती है उसे मुझे विवाह कर लेना चाहिए ताकि कोई और पुरुष उस पर निगाह न डाले या स्त्री ये सोचती थी कि उस पुरुष से तो इस तरह से एक वैवाहिक वैवाहिक जो है ये नियम बने और हमारे यहाँ पर ये धीरे धीरे ये ये मैरिज जो है सिर्फ हमारे यहाँ नहीं वेस्ट में भी मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन बन गया एक सामाजिक संस्था बन गया तो इसी तरह से जो है ये क्या होता है कि ये उसमें अब समाज में ऐसे ही जो प्रचलित व्यवहार होते हैं अगर हम उन व्यवहारों का प्रभाव सही रहता है तभी वो सामाजिक नियम बनते हैं नहीं तो अपने आप खत्म हो जाते हैं इसीलिए हम लोगों को कहते ये जनरली माना जाता है कि समाज हमेशा सही होता है ठीक है तो ये जो एथिक्स हैं होते हैं ये मानक हैं ये स्टैंडर्ड हैं जो कि आपको हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं और आपको एक सही गोल चूज करने में भी हेल्प करते हैं और आपको एक जो है सही व्यक्तित्व का स्वामी बनने में भी ये मदद करते हैं क्योंकि ये हमेशा आपको सही और गलत बताते रहते हैं ठीक है और ये देखें ये अलग अलग होता है ये इससे आप हमेशा बहुत सीखते हो मैं अभी आपको दो तीन एग्जाम्पल दूंगी आप हमेशा इससे बहुत ज़्यादा सीखते हो कि किसने कैसे जिसने कहते हैं ना जिसकी जैसी जिसकी नियत रही प्रभु मूर्त वैसी दे दिखी तो इसका सीधा सा ये मतलब होता है कि आप आप भीतर से क्या सोचते हो आपके वैल्यूज़ क्या हैं उसके अनुसार ही आप अचीव करते हो तो जिन जिनके वैल्यूज सही थे वो बड़े अचीवर्स हुए जिनके वैल्यूज सही नहीं थे वो वो जो है फेलियर हुए तो यहाँ पर जैसे देखो ये जो है ये कौरव खड़े हैं यहाँ पर और ये आपका जो है अर्जुन है ये अर्जुन है ठीक है ये गुरु द्रोण वाला द्रोण वाला जो है मैंने ये जो है कहानी ली है अब ये थोड़े इसे ये सांवले से लग रहे हैं यहाँ पर तो बेसिकली यहां पर क्या था कि दुर्योधन भी बहुत बलवान था और अर्जुन भी लेकिन दोनों में क्यों अर्जुन सक्सेसफुल हुए अर्जुन को क्यों हम एक पॉजिटिव रूप में देखते हैं क्यों दुर्योधन को हम नेगेटिव रूप में देखते हैं क्योंकि दुर्योधन दुर्योधन की सोच जो है शुरू से ही शुरू से ही दुर्योधन की सोच नकारात्मक थी और वो अपने अपने जीतने से ज्यादा वो अर्जुन को हराने के लिए परेशान रहता था तो ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि जो है गुरु द्रोण जब परीक्षा लेने लग गए तो एक पेड़ पर उन्होंने एक चिड़िया बैठी थी उसको मारने के लिए कहा उसको मारने के लिए कहा तो ये जो है दुर्योधन और दुशासन जो उसके प्रिय भाई थे है ना जो प्रिय भाई थे वो लोग नहीं मार पाए और अर्जुन ने इसको मार गिराया क्या फर्क था तो दुर्योधन दुर्योधन डिस्ट्रैक्ट था दुर्योधन को ये भी दिख रहा था कि अगर मैंने नहीं मारा तो अर्जुन मार देगा तो फिर अर्जुन को ज़्यादा नंबर ना मिल जाए मुझे मारना ही है तो एक तो आधा डिस्ट्रैक्शन उसको वैसे है तो इसलिए जो है उसको पूरा पेड़ दिखाई दे रहा था तो गुरु द्रोड़ ने पूछा तुमको क्या दिखाई दे रहा है तो इन्होंने कहा कि मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है गुरु जी पर जब अर्जुन से उन्होंने पूछा कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है तो अर्जुन ने कहा कि मुझे मछली मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है मुझे कौन दिखाई दे रही है मुझे चिड़िया तो ये इस यहाँ पर अर्जुन अर्जुन का कि दिमाग में और कुछ भी नहीं है अर्जुन के दिमाग में है कि भाई गुरु मेरे आप परीक्षा ले रहे हैं गुरु को प्रसन्न करना है और मुझे अपने लक्ष्य को बेधना है यहाँ पर उसका कोई कॉम्पिटिशन किसी से नहीं था तो अर्जुन ने जो है चिड़िया को मार गिराया तो यहां पर क्या है यहां पर लूजर कौन हुआ दुर्योधन और अचीवर कौन हुआ अचीवर हुआ आपका अर्जुन और हमेशा से पूरे महाभारत की कहानी में यही दिखाया गया है, है ना पूरे महाभारत की कहानी में आपका यही दिखाया गया है कि ये जो है ये हमेशा से धृतराष्ट्र से लेकर और जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे इन लोगों को हमेशा क्या रहा कि इनको पांडवों से जालसी रही एक तो इन, लो, इन लोगों ने एक गलत दावा किया जिसको तो हम इसको कहते हैं वैधानिक नियम इसको हम वैधानिक नियम कहते हैं जैसे कि हम हम अगर आप जैसे विधि को अगर ना तोड़ें आप लोग सेवक होने के नाते आप विधि को मत तोड़ो तो आप जो विधि बनी हुई है विधि के अनुसार चलो आप तो विधि यही थी विधि यही थी कि भाई पांडु पांडु के ये पुत्र थे और पांडु राजा बने तो अब पांडु के पुत्रों का ही उत्तराधिकार पर अधिकार बनता था ज्येष्ठ अधिकार के नियम के अनुसार लेकिन पुत्र छोटे थे तो आपको कुछ दिनों के लिए कार्यवाहक शासक बनाया गया था जैसे ही पुत्र बड़े हुए आपको गद्दी छोड़ देना चाहिए था लेकिन वो अपने पुत्र मोह में अंधे हो गए और पहले से ही उनको भी उनको भी आ सकती रहती थी अर्जुन को भी ये आ सकती रह ये धृतराष्ट्र को पहले से ही आ सकती रहती थी कि मुझे मैं ज्येष्ठ हूं तो मुझे गद्दी मिलना चाहिए लेकिन वो ये भूल गए थे कि मेरे पास नेत्र नहीं है एक नेत्रहीन राजा कैसे संभालेगा हस्तनापुर के साम्राज्य को यही सोचकर उनको नहीं बैठाया गया था तो कई बार हम लोगों को क्या होता है कि यहाँ से आप लेसन ये लेते हो अगर हम लोग धृतराष्ट्र की बात करें तो यहाँ से लेसन आप ये लेते हो कि हमको हमेशा यथा स्थिति को स्वीकार करना चाहिए तो आपको कहा जाता है ना कि जो सच्चाई है उसको स्वीकारो तो सच्चाई अगर यह है कि आप किसी कार्य में अक्षम हैं, तो आप उसको स्वीकार कर लीजिए अगर आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपके लिए फिर कोई और रास्ता खुलेगा वो जो सही होगा आपके अनुसार और अगर आप अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करते हैं और आप जिद पर आप किसी गलत गलत जिद करते हैं आप आप जानते हैं कि आप अक्षम हैं और फिर भी आप उसे पाने की कोशिश करते हैं तो आप विनाश की तरफ बढ़ते हैं और यही हुआ धृतराष्ट्र के साथ और धृतराष्ट्र के जो पुत्र हुए उनके भीतर ये नकारात्मकता ये नकारात्मकता शायद आनुवांशिक रूप से आ गई थी और ये कहते हैं कि जैसे हमारा हमारी जो बुद्धि होती है तो हमारी बुद्धि क्या होती है आनुवंशिकता जेनेटिक्स प्लस वातावरण एनवायरमेंट तो जेनेटिक्स से भी आता है तो इसीलिए कहते हैं कि माता पिता को अपनी सोच अच्छी रखनी चाहिए तो पुत्र भी उसी सोच के होंगे तो ये पूरे महाभारत में हमेशा हम लोग को ये दिखाया गया कि हमेशा आप नियत, नियत हमेशा सही रखिए हमेशा आप जो है जो आपकी जो वैल्यूज है उसको सही रखो और सही सही रास्ते पर चलो नहीं तो फिर विनाश होगा ये इसमें आप लोगों को बताया गया था एक और स्टोरी है देखो ये पंचतंत्र की कहानी है पंचतंत्र की कहानी है और ये पंचतंत्र की कहानी में आप लोग क्या देख पा रहे ये ये शेर देख रहा है पानी में पानी में उसको अपना रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है और ये कहानी सुनी है आप लोगों ने चतुर खरगोश की ये, ये आपका यही ये, ये सब आप लोगों को एथिक्स एथिक्स में बस एग्जाम्पल्स रखो एग्जाम्पल्स अपने पास इतने रखो कि पेपर में लिख लिख के आप जो है 200 वर्ड 300 वर्ड आप जो है उसको पूरा करो वो लिखा रहता है आपका वर्ड लिमिट दिया रहता है सिद्धांत वाले क्वेश्चन में भी दिया रहता है केस स्टडीज वाले में भी दिया रहता है तो ये देखो यहाँ पर वहां पर हमने क्या देखा कि वहां पर जो है हमने देखा कि शुरू से ही हमने वहां पर महाभारत में जो वैधानिकता है उसको चुनौती दी गई आपने विधि को तोड़ा विधि को तोड़ने के साथ साथ आपने नकारात्मकता हमेशा आपने भीतर रखी इसी वजह से विनाश हुआ और यहाँ पर दिखाया गया कि आपके भीतर कभी अभिमान नहीं होना चाहिए आपके भीतर अगर अभि आप ज्यादा आपके भीतर दर्प आ जाता है ज़्यादा प्राउड आ जाता है ज्यादा अभिमान तो अभिमान भी आपको ले डूबता है क्योंकि आपका जो अभिमान है वो आपके विवेक को छीन लेता है तो यहां पर ये खरगोश आप लोगों ने आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी कि ये जो खरगोश है ये इस खरगोश ये अपना एक दिन उछलते कूदते थोड़ा दूर निकल गया अपने पेरेंट्स लोगों से हरी हरी घास के लालच में इसको शेर ने देखा और बोला मैं तुमको खाऊंगा इसने देखा कि अब तो जान बचाने का कोई उपाय नहीं है तो एकदम से इसको आइडिया आया कहते हैं खरगोश बहुत चालाक होते इसने शेर को बोला कि ठीक है आप मुझे खा लेना लेकिन मैं उनको क्या बोलूं जो वो मेरा कुएं पे इंतजार कर रहे हैं उन्होंने बोला है कि तुम लौट के आओ मैं तुमको खाऊंगा तो बोले ये कौन है ये कौन पैदा हो गया मैं इस जंगल का राजा हूं बोले आप अपने को जंगल का राजा कहते हो वहां पर एक और जंगल का राजा है और फिर खरगोश कुएं तक लेकर आया बोला इसके भीतर है इसने जब कुएं में देखा तो इसको अपनी ही परछाई दिख रही है कुएं के भीतर इसको कुएं के भीतर अपनी ही परछाई दिख रही है और इसने ज्यादा न सोचा ना समझा ना आव देखा न ताव और इसने क्रोध में अभिमान अभिमान जब अभिमानियों को क्रोध ज्यादा आता है और ये कूद गया कुएं में कूद गया डूब के मर गया तो यहां पर यहां पर यही होता है कि आप जो है यहां पर झूठा मतलब जो आप आप अपने ताकत ताकत के बल में चूर मत होइए ज्यादा अभिमान मत रखिए तो ये आप लोगों का कहते हैं कि जैसे हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कि कुछ नैतिक गुण होते हैं और कुछ नैतिक अगुण होते हैं, ये बदलता है लेकिन कुछ सार्वभौमिक होते तो ये कहानी इसी तरह से आप लोगों ने ये कहानी भी सुनी होगी विवेक हमेशा कहा जाता है आपके ऐसे में भी विवेक 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 रहता है आप लोगों में से किसी का नाम विवेक होगा तो वो सोचेगा कि मेरा नाम कितना पॉपुलर है ऐसे हर साल का ऐसे विवेक से भरा रहता है कोई कुछ ना कुछ विवेक पर आधारित आपके प्रश्न रहेंगे और उसी तरह से आपके जो है एथिक्स के पेपर में भी रहता है तो ये जो है नेवला और ब्राह्मण की पत्नी वाली कहानी ये भी मैंने खूब पंचतंत्र पढ़ी है आप यकीन मानिए मैंने इत जैसे मुझे एथिक्स पेपर में कभी एफर्ट नहीं करना पड़ा एथिक्स और ए से इतनी आसानी से मैंने लिखा कि मतलब जैसे उसके लिए बहुत विशेष तैयारी की जरूरत नहीं पड़ी और शायद इसमें मुझे मदद इसीलिए मिली कि मैं शुरू से मैंने बहुत लिटरेचर पढ़ा मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोगों को खाली टाइम में साहित्य पढ़ना चाहिए तो मैं बचपन में हम लोगों के पास टीवी वगैरह इतना होता नहीं था डी डी वन सिर्फ रहता था और डे डी वन पूरे दिन नहीं आता था टूँ टूँ घूमता था उसका जब टाइम होता था सुबह और शाम कई बार तो इतने बोर हो जाते थे कि उसका टूँ टूँ घूमना ही देखते रहते थे कि अच्छा चलो घूम के अब तो आएगा कोई एक सीरियल रोज का सैटरडे संडे में मूवी बस इतना ही तो गर्मी की छुट्टियों में टाइम पास कैसे होगा तो उस समय हम लोग यही सब पढ़ा करते थे बहुत सारी इस तरह जैसे पंचतंत्र की कहानियां कार्टून फॉर्म में आया करती थी चंपक नंदन ये सब खूब पढ़ा नंदन में बहुत सारी वही अकबर बिरबल टाइप की स्टोरीज जैसे मोरल स्टोरीज हुआ करती थी तो इन सब का जो है एक धीरे 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 मेरे ऊपर असर होता चला गया था एक शुरू से ही एक सोच बनती चली गई शुरू से ही और बड़े हुए तो फिर और भी बहुत किताबें पढ़ी बड़े बड़े राइटर्स को भी पढ़ा तो कुल मिला के समझ में आया कि सब एक ही बात करते हैं तो नेवला और ब्राह्मण की पत्नी वाली कहानी आप सब लोगों ने सुनी होगी कि, कि किस तरह से जो है एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी ने अपने एक पुत्र को जन्म दिया उसी समय एक नेवले का बच्चा ऐसा लग रहा था वो मर जाएगा तो उस ब्राह्मणी ने क्या किया था उस ब्राह्मणी ने जब अपना जब अपने बच्चे को दूध पिलाती थी तो थोड़ा अपना दूध निकाल के कटोरी में नेवले को भी दे देती थी इस तरह से जो नेवला बड़ा होता चला बच गया और बड़ा होता चला गया तो नेवला उसको माँ ही मानता था और वो भी ये जो है ब्राह्मण के लिए भी पुत्र के समान हो गया था क्योंकि ये वो ब्राह्मणी का दूध पीकर ये बड़ा हुआ था तो ये नेवला नेवले के मन में भीतर रहता था हमेशा कि मुझे मतलब मैं मैं जो है इनका बच्चा हूँ और वो जो लड़का था जो बच्चा था उसको ये अपना भाई समझता था तो एक दिन वो गई पानी लेने के लिए बच्चे को झूले में डाला हुआ था और वो इसको बोल के गई कि देखते रहना और जब वो पानी लेकर आती है तो ये पानी लेने जब गई रहती है उसी बीच ये देख पा रहे हो ना आप ये काला सा मोटा सांप आता है और वो बच्चे को डसने जा रहा होता है तभी नेवला जो है जान पर खेल के सांप को मार डालता है और ये शाबाशी लेने के लिए अपनी माँ से मुंह में खून लगा हुआ है क्योंकि इसने सांप को मारा है शाबाशी लेने के लिए अपनी माँ से एकदम गेट पे जैसे आपको कैसे बहुत अच्छा काम कर लेते हो मम्मी बाहर गई होती है तो इंतजार कर रहे होते हो कि आती मम्मी को बताऊंगा शाबाशी मिलेगी उसी तरह से बेचारा ये खड़ा था वो पानी लेके आई इस उसने इसके मुंह में खून देखा उसने बोली दिखा दी ना तूने अपनी जात और उसने जो है पानी का भरा हुआ घड़ा इसके ऊपर दे मारा और ये मर गया नेवला मर गया जब भीतर जाती है जब भीतर जाती है तो वो देखती है कि बच्चा तो सही सलामत खेल रहा है और पास में काला मोटा सा सांप टुकड़े टुकड़े उसके हो रखे तब जाकर के उसे अफसोस हुआ तब उसको अफसोस हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था एटलीस्ट भीतर आके मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए तो इसको हम लोग कहते हैं धैर्य इसको हम लोग कहते हैं धैर्य से काम लीजिए कोई भी सिचुएशन आप देखिए आप कोई भी सिचुएशन देखिए तो वहां पर आप धैर्य से काम लीजिए और धैर्य धैर्य के के साथ के साथ ही विवेक जुड़ा रहता है तो धैर्य के साथ विवेक जुड़ा रहता है तो आप एकदम बिना सोचे समझे कोई काम मत कीजिए पहले सोच समझ के कीजिए चाहे परिस्थिति कितनी भी भाई उसको ऐसा लगा होगा कि मेरे बच्चे को इसने मार डाला बच्चे को मेरे बच्चे को इसने खा लिया या मार दिया पर उसको एकदम से डिसीजन नहीं लेना चाहिए था बिना देखे तो आप, पहले जो है, पहले आप चेक कीजिए आप पहले श्योर होइए कि हुआ क्या है फिर उसके हिसाब से आप प्रतिक्रिया दीजिए तुरंत प्रतिक्रिया आप मत दीजिए तो ये भी आप लोगों को एक नैतिक गुण है जो हमेशा आप लोगों के भीतर लोक सेवकों के भीतर जो है आ, उम्मीद करती है यूपीएससी कि आप इसी तरह के जवाब लिखें इसी तरह से आप लोगों का व्यक्तित्व हो तो ये ये जो है ये एक अलग एथिक्स है ये भी, ए, ये भी एथिक्स है आपका कि आपको हमेशा जो है सोच समझ के व्यवहार करना है तो ये जो एथिक्स है ये कहते हैं कि एक व्यक्ति एक व्यक्ति जो है कब एथिकल कहलाता है एक व्यक्ति को कब आप कहोगे कि वो नैतिक है एथिकल है तो इसके लिए मानक है इसके लिए मानक है कि उन मानकों के अनुसार उन मानकों के अनुसार जब व्यक्ति व्यवहार करता है तो ये जो मानक हैं, ये जो आपके मानक हैं कि व्यक्ति व्यक्ति जब तभी एथिकल कहलाएगा तभी नैतिक कहलाएगा कि जब वो इस मानक पर अपना व्यवहार कर रहा होगा तो देखो वो मानक बदलता है पर कुछ सार्वभौमिक होते हैं जैसे जो ये जो नैतिक आचरण का जो परिभाषा है तो ये नैतिकता समय एवं परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है ये आपका जो है ये निश्चित नहीं होता कि ये हमेशा ये यहाँ पर सही है तो हमेशा सही रहेगा जो आपके जो है बचपन में जो आपको सही लगता था वो बड़े होने पर बदल जाता है एक समाज में जो सही होता है दूसरे समाज में बदल जाता है तो नैतिकता जो है आपका समय एवं परिस्थिति के अनुसार बदलता है व्यक्ति के भीतर भी ये बदलता है आप समाज के अनुसार भी बदलता है और ये समय एवं काल के अनुसार भी बदलता है तो जैसे अगर मैं आपको पहला एग्जाम्पल लू तो आपने बचपन में जो जब आप छोटे थे तो जब आप छोटे थे तो जो आप सोचते थे आप उसको आप दो उसको छोड़ो मैं आप लोगों को ये कहती हूँ कि आप लोग आ, चार पाँच साल पहले की कोई बात सोचो या तीन तीन छः साल पहले की कोई बात सोचो कई ऐसे मोमेंट्स आपके लाइफ में आए होंगे जब आप एकदम से एग्रेसिव हो गए होंगे या फिर झट से कि, आ, किसी के सामने कुछ मांग दिया होगा या फिर झट से किसी के सामने कुछ एक्सप्रेस कर दिया होगा आप अभी भी अकेले में रहते हो तो आपको थोड़ी सी झेप हो जाती है कह अरे मैंने ऐसा कर दिया था क्यों क्योंकि उस समय आपके भीतर परिपक्वता नहीं थी तो बचपन में जब एक खिलौना ही आपके लिए सबसे कीमती चीज होता था उस खिलौने के लिए जिस तरह से आप आ, वहां पर मारपीट कर लेते थे लेकिन जब आप बड़े होते हो जब आप बड़े होते हो तो फिर आपके भीतर ये समझ आती है कि नहीं ये तो खेलने की चीज है मिलकर ही खेलना चाहिए मिलकर ही खेलना चाहिए और इसी तरह से कोई और भी अब हम जैसे एक्चुअली हमारा जो लर्निंग है जो हमारा सीखना है वो पूरे जीवन चलता रहता है व्यक्ति कहते हैं कि जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक आजीवन आज उसकी लर्निंग चलती रहती है और हमेशा जब हम लोग फाइव ईयर बैक देखते हैं तो हमेशा हमको लगता है कि हम अभी ज़्यादा परिपक्व हुए हैं हम अभी ज़्यादा मेच्योर हुए हैं तो एक व्यक्ति के भीतर भी चीज़ें समय के साथ बदलती रहती हैं और समाज के अनुसार तो बदलती ही हैं। अब जैसे देखो हरियाणा 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 में जो है एक गोत्र के भीतर अगर आपने ब्याह कर लिया तो वहां पर खाप पंचायतें होती थी खूब मैंने इसका सुना है मैं भूलती नहीं हूं इन पर इस पर जो है यूपीएससी जो है प्रश्न भी पूछ चुका है तो खाप पंचायतें ये खाप पंचायतें तुरंत आदेश मतलब वहां पर एक तो इलेक्टेड पंचायत का से आप वो छोड़िए ये इसको खाप पंचायत क्यों कहा गया क्योंकि जो है ये गांव के ही कुछ बड़े बूढ़ों लोग बूढ़ों का ये ग्रुप होता था और इनका फैसला एकदम अडिग होता था तो अगर एक गोत्र के भीतर आपने ब्याह कर लिया तो क्या किया जाएगा आपको जो है पेड़ पर लटका दिया जाएगा या फिर गोली मार दी जाएगी या फिर माँ बाप को कहा जाएगा कि इनके गर्दन काट के यही दफना दो पुलिस को भी ठीक है पुलिस को भी इसकी खबर नहीं मिलती थी और ऐसे बहुत मर्डर्स हुए अब जाकर मीडिया थोड़ी शांत है मैं सावधान इंडिया देखती थी सावधान इंडिया में भी ऐसे जो है बहुत सारे स्टोरीज मैंने देखे सावधान इंडिया में क्राइम पेट्रोल में अब तो खैर टीवी ही बंद हो गया है तो यहाँ पर यह गलत था और लेकिन अगर आप दक्षिण में जाओगे ना तो दक्षिण में दक्षिण में अपने गोत्र में ये तमिलनाडु में है तमिलनाडु में ही अपने गोत्र में ही ब्याह होता है वो दूसरे गोत्र में नहीं जाते और ये ये हिंदू की बात कर रही हूं मैं जैसे आप लोगों को ये पता है ना कि मुस्लिम समाज में तो हमेशा अपनी ही फैमिली में शादी होती है सिर्फ सगे भाई बहनों में शादी नहीं होगी बस बाकी वो अपनी फैमिली में ये उनके विवाह होते हैं और वो उसको ही सही मानते हैं वो नस्ल वो जो है नस्ल पर विश्वास करते हैं नस्ल की प्योरिटी तो अगर आप दूसरे दूसरे जो है गांव में दूसरी फैमिली में आप करोगे तो नस्ल खराब हो सकता है तो वो अपने अपने नस्ल की शुद्धता पर फोकस करते हुए वो अपने ही फैमिली में करते हैं और आप जब दक्षिण जाओगे तो दक्षिण में भी तमिलनाडु में आंध्रा के कुछ पार्ट में कुछ केरला के पार्ट में जो है सगोत्रीय विवाह होते हैं जिनका सोशियोलॉजी ऑप्शनल होगा समाजशास्त्र आपको पढ़ना है मैरिज एंड किनशिप में आप लोग पढ़ोगे और वहां पर जो है स्थानिक होता है वो अपने ही अपने ही फैमिली में हुआ अपने ही गोत्र में हुआ शादी फैमिली में तो गोत्र देख के करते हैं और हमेशा जो है पुरुष महिला के घर आ जाता है रहने के लिए तो उत्तराधिकार उत्तराधिकार किसको ट्रांसफर होता है महिला को तो देखो किस तरह से बदल रहा है ये और ये सिर्फ खाप पंचायतों ने तो वैसा निर्णय ले लिया इसलिए ये सिर्फ हरियाणा की भी बात नहीं है ये पूरे उत्तर भारत में ये निभाई जाती है परंपरा कि सगोत्री विवाह नहीं होगा एक गांव के लड़के लड़... लड़कियां भाई बहन माने जाते हैं और दक्षिण में उसी गांव में ब्याह होगा तो ये बदलता है ये समाज के अनुसार बदलता है समाज के अनुसार भी बदलता है और समय एवं काल के अनुसार भी बदलता है जैसे मैं आप लोगों को महाभारत के हम लोगों ने अभी बात की थी तो हम लोग बात कर रहे हैं द्रौपदी की तो द्रौपदी के पांच पति थे पांच पति थे द्रौपदी के और द्रौपदी को कोई अनैतिक कहता है कोई उसको ये कहता है कि वो बहुत व्याभिचारी स्त्री थी कोई कहता है कोई भी नहीं कहता क्यों क्योंकि उस समय उस समय ऐसे विवाह हो रहे थे वो माता उसमें दिखाया गया कि माता के कहने पर हुआ है तो द्रौपदी पांच पतियों पति की वाली थी पर आज की डेट में अगर कोई स्त्री अगर करे तो अगर आज की डेट में स्त्री कोई करेगी तो उसको गलत माना जाएगा कि अगर एक साथ कोई स्त्री पांच पति रखती हो हालांकि टोडा जनजाति में बहुपति प्रथा है पर जनजातियों में थोड़ा सा प्रचलित है लेकिन जो सभ्य समाज है उसमें सही नहीं है तो काल के अनुसार ये नैतिकता गलत हो गई उस समय नैतिक था आज अनैतिक हो गया और समाज के अनुसार टोड़ा जनजाति में बहुपति प्रथा है लेकिन हमारे समाज में नहीं है तो ये समाज के अनुसार गलत हो गया और इसी तरह जो है हम अगर कहें तो जो पश्चिम में जो सही है वो यहाँ सही नहीं है जो पश्चिम में सही है वो भारत में सही नहीं है जो भारत में सही है वो पश्चिम में गलत है तो इस तरह से जो है ये नैतिकता तो नैतिक सीधा सीधा हम लोग कहेंगे कि जब व्यक्ति एथिकल कब कहलाता है जब वो जो है उस समाज के अनुसार व्यवहार करता है लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ सार्वभौमिक ठीक सार्व है कुछ सार्वभौमिक नैतिक गुण एवं दोष हैं कुछ सार्वभौमिक नैतिक गुण एवं दोष है जिस जिसको जो है हम लोग कहते हैं कि ये तो होना ही चाहिए और ये सार्वभौमिक नैतिक गुण एवं दोष कैसे निकाला गया है ये देखा गया है कि हर समय काल परिस्थिति में ये तब भी सही था जब महाभारत का युग था और ये तब भी सही था जब मध्यकाल था ये आधुनिक काल में भी ये हमेशा हमेशा ही इसको सही माना गया है हमेशा ही माना गया है कि ये ये व्यवहार तो ये गुण तो व्यक्ति के भीतर होने ही चाहिए और ये जो है जो अवगुण है ये व्यक्ति के भीतर नहीं होने चाहिए तो उसमें हम लोग अगर देखते हैं तो हम लोग वही नैतिक गुणों में हम कहते हैं कि आपके भीतर दयालुता होनी चाहिए आपके भीतर दयालुता होनी चाहिए आप आपका आत्मनि नियं, पर नियंत्रण होना चाहिए यानी सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कितना क्रोध करना है कब कब जो है आ, किस तरह से प्रतिक्रिया देनी है आपको हमेशा अपने भी ऊपर एक कंट्रोल होना चाहिए अगर आपके भीतर ये कंट्रोल नहीं है तो इसका मतलब कि फिर आप आपका अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं है तो आप एक अच्छे ना तो लोक प्रशासक बन सकते हैं ना आप एक अच्छे पेरेंट बन सकते हैं ना एक अच्छे पिता ना अच्छे पुत्र ना अच्छे पुत्र होंगे ना अच्छे पिता बन सकते हैं ना अच्छे जो है पति बन सकते हैं उसी तरह लड़कियों पर भी ये निर्भर करता है कि ना तो एक अच्छी पुत्री होंगी ना अच्छी बहन ना वो अच्छी मां बन सकती हैं ना अच्छी पत्नी बन सकती हैं अगर उनको कंट्रोल नहीं है अपने टेम्पर पर तो अगर आप पर आप सेल्फ कंट्रोल है आत्मनियंत्रण है तो इसको इसको इंग्लिश में कहा जाता है गुड टेम्पर समानुभूति समानुभूति हम इसको कहते हैं देखो एथिक्स में सहानुभूति से ज्यादा समानुभूति पर जोर दिया जाता है एम्पैथी कि आपको जो है अपने अपने ही दुख की तरह जब दूसरों का दुख लगने लगे तो इसको हम एम्पैथी कहते हैं और जब आपके भीतर समानुभूति होती है तो हमेशा आप जो है दूसरों के बारे में सोचते हो उनकी मदद करते हो क्योंकि आपको एहसास है उस दर्द का उस दुख का उस पीड़ा का जो उस व्यक्ति को हो रहा है क्योंकि आप भी उस परिस्थिति से गुजर चुके हो तो इसलिए आप महसूस कर पा रहे हो लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि खुद भी उस परिस्थिति से गुजर गुजरे होते हैं लेकिन जब वो दूसरों पर देखते हैं तो वो उस समय उनको दया नहीं आती उस समय वो कहने लग जाते हैं कि अरे ये इस, इसके साथ अच्छा हो रहा है ऐसे बहुत लोग हैं तो हमारे यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको कभी वो क्या था स्मृति ईरानी वाला सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी ये सीरियल आया था क्योंकि सास भी कभी बहू थी तो ये हमेशा सास बुरी होती है तो ज, जैसे कि वो जब बहू थी तो उसके साथ वही हो रहा था तब उसकी सास उसको बुरी लगती थी बाद में उस स्त्री की जब अपनी बहू आई तो फिर वो वैसा ही व्यवहार एग्जैक्टली करने लग जाती है जैसा उसकी सास ने किया फिर उसकी बहू भी जब उसकी बहू आएगी तो वो भी एग्जैक्टली वैसा व्यवहार करने लग जाती है जैसा उसकी बहू ने उसके साथ किया तो इसीलिए सास सास जो है मदर इन लॉ हमारे यहाँ पर बुरी बन गई क्यों क्योंकि वो हमेशा से उनमें समानुभूति नहीं देखा गया कुछ सोच का ऐसा कुछ सोच का चक्कर है कुछ जो है आप कह सकते हैं कि कुछ स्त्री सुलभ जो ईर्ष्या होती है एक जो उनके भीतर एक ईर्ष्या होती है एक जलन जो होती है ये शायद उनको महसूस नहीं होने देता तो ये हमेशा से होता रहा क्योंकि समानुभूति की उनकी कम में उनमें कमी रही तो समानुभूति की जो कमी होती है वो कभी भी आप आप व्यक्ति को संवेदनशील नहीं बनने देता पर हितवाद हमेशा सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में मत सोचिए आप अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के बारे में सोचिए हमेशा आप सत्यवादिता होनी चाहिए ट्रस्टवर्दी हो बने आप हमेशा लोग आप पर विश्वास करें ठीक है और अवगुण कौन से हैं तो अवगुण आपको यही ये सारे जो है अवगुण माने जाते हैं क्रोध घमंड डिंग मारना डिंग मारना भी एक अवगुण है झूठ मूठ का आप डिंग मत मारो ठीक है जो सही है वही वही बोलो आप जितने में हो आप उतने में ही रहो और कायरता तो कायरता भी आपके भीतर एक अवगुण है कि अगर डिसलॉयल्टी है डिसलॉयल्टी है तो ये भी एक बहुत बड़ा अवगुण है यानी आप आपके ऊपर कोई विश्वास कर रहा है तो उस विश्वास को तोड़ो मत क्योंकि उस जो है इसी से जो है आपकी निष्ठा बढ़ेगी उस व्यक्ति की आप में तो आपने अगर उस निष्ठा को तोड़ दिया तो फिर आपने विश्वास को तोड़ दिया फिर आगे आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा तो ये भी कई लोगों में होती है कि यार नहीं नहीं जैसे आप अपने किसी फ्रेंड को बताते हो चुगली चापलूसी निष्ठाहीनता आप अपने फ्रेंड को कहते हो अरे यार बस मैंने तेरे से बताया किसी को कहना मत और वो बोले ना ना क्या बात कर रहा है कभी नहीं और वो जैसे ही आप उसके घर से निकले उसने तुरंत अपने एक दोस्त को फोन लगाया और उसने बताया कि तुझे पता है कि ऐसे हुआ था तो ये निष्ठाहीनता हो गई ये भी एक अवगुण है ये भी अवगुण है कि अगर आप संदेह करते हो हमेशा किसी पर अगर आपके भीतर हमेशा एक संदेह की भावना रहती है अगर आप हमेशा किसी के साथ विद्वेश रखते हो जैसे दुर्योधन दुर्योधन क्या करता था दुर्योधन हमेशा विद्वेश रखता था लालच नहीं करना चाहिए ज्यादा लालच बुरी बला है ठीक है तो लालच करना पाप है नदी किनारे सांप है तो लालच तो लालच बिल्कुल भी मत करिए जो आपके पास है उतने में संतुष्ट रहिए और आपके भीतर किसी भी तरह का कोई लस्ट नहीं होनी चाहिए चाहे पैसे को लेकर या फिर आ, किसी मतलब स्त्री को लेकर आपके भीतर लस्ट नहीं होना चाहिए इम्पेशेंट होना भी अवगुण है एक इम्पेशेंट होना भी एक अवगुण है क्योंकि आपके आपको धैर्य रख कर धीरज रख कर आपको फैसला लेना है तो जैसे वो औरत थी जिसने वो नेवले को मार डाला तो वो इम्पेशेंट हो गई वो इम्पैशेंट हो गई इसीलिए ऐसा हुआ तो इम्पैश भी नहीं होना चाहिए आपके भीतर बेचैनी भी नहीं होना चाहिए और ईर्ष्या द्वेष तो होना ही नहीं चाहिए आप में केयरलेसनेस नहीं होना चाहिए आलस्य नहीं होना चाहिए हमेशा जो है किसी के विश्वास की वैल्यू कीजिए तो अविश्वसनीयता नहीं होनी चाहिए घमंड मिथ्या अभिमान दम्भ नहीं होना चाहिए शेर वाली कहानी मैंने सुनाई आप लोगों को और वीकनेसेज जो आपके भीतर हैं उन वीकनेसेज पर हमेशा काम करते रहिए और कमजोरियां हर इंसान में होती है आपको कमजोरियों से ऊपर उठना होता है तो आपके भीतर अगर किसी भी तरह की दुर्बलता है चाहे वो खाने को लेकर के है पहनने को लेकर के है किसी व्यक्ति को लेकर के अगर है तो आपके भीतर इस तरह की कोई दुर्बलता होनी ही नहीं चाहिए ना तो पैसे को लेकर होना चाहिए ना धन को लेकर ठीक है तो धन धन पैसा सोना मतलब मतलब उसमें सब आ जाता है जमीन जायदाद सब कुछ पैसे से ही होता है तो किसी इस तरह की दुर्बलता कहते हो ना कि ये मेरा वीकनेस है ये वीकनेस नहीं होना चाहिए आपके भीतर आपके भीतर किसी भी तरह का वीकनेस नहीं होना चाहिए आपको कंट्रोल होना चाहिए अपने ऊपर और आपके भीतर रोष नहीं आना चाहिए रैथ नहीं आना चाहिए कि एकदम से आप तैश में आ जाओ तो ये सब आपके अवगुण हैं ठीक है थीके? ये सब आपके अवगुण हैं जो कि आपके भीतर नहीं होने चाहिए अब ये जो है कि हमें नैतिकता की क्या आवश्यकता है और हमें नैतिक क्यों होना चाहिए तो ये जो है मैं आप लोगों को अब यहाँ से मैं आप लोगों को अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी ठीक है आज इतना ही रखते हैं यहीं से आगे बढ़ेंगे हम लोग मैं बिल्कुल एकदम सरल भाषा में आप लोगों को पढ़ाना चाहती हूं आप लोगों के रेस्पॉन्स से मुझे पता चलेगा कि आप लोग विलिंग हैं पढ़ने में या नहीं हैं। उसी के अनुसार मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कल आ, कल हम पॉलिटी रहेगा वन पर कल वन पर जो पॉलिटी मैराथन ले लेकर मैंने पूरी पॉलिटी कंप्लीट कराई है उसी में जो है नेक्स्ट सेशन रहेगा कल बहुत सारे आयोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग जो हमारे संवैधानिक आयोग हैं कुछ वैधानिक आयोग हैं उनके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं कल कल मिलेंगे हम लोग वन पी पर तब तक के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट बाय सेशन को लाइक करके जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए अन अकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए रिंकू को लाइव कोड यूज कीजिए